Hi, this is Khushbu with a new question of Primal. So this is question number 5, exercise 6.2, page number 129 of NCERT. This says the DE is parallel to OQ and DL is parallel to OR. Show that EL is parallel to QR. सबसे पहली चीज क्वेश्चन देखकर हम इससे पहले क्या लिखना है गिवन और टू को. सो हमें गिवन है DE पैरेलल है OQ के. फर्स्ट स्टेप आप ये फॉलो करो, सबसे पहले आप लिखो उसका गिवन और टू को. प्रूफ, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल है QR के. सोचनी है मेरी बारे. अब आती है प्रूफ की बारे. प्रूफ लिखते वक्त इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियोस, मैंने आपको यही चीज समझाई है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ध्यान से देखो, वो कहीं ना कहीं जरूरी यूज हो रहा है. जैसे कि हमें दिया है डी ई पैरेलल टू ओके, ये डी ई है, ये पैरेलल है ओके के. अब ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ये पैरेलल लाइन, इसमें तो ले नहीं सकते, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल. तो हमारे पास ट्रायंगल क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है ये बड़ा वाला, दिस वन पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है ये पैरेलल लाइन. बाकी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ इस लाइन पर और इस लाइन पर रहेगा जो पैरेलल हो रही है. सो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, किस ट्रायंगल में है, पीओ क्यू में, इन ट्रायंगल पीओ क्यू. ट्रायंगल देखना जरूरी है कि आप पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल में ले रहे हो. डीई पैरेलल टू ओक्यू, डीई इसके पैरेलल है, देयरफॉर बाय हेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम को, बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम को हम हेल्स थ्योरम भी कहते हैं. तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, अगर ये इसके पैरेलल है दैट मीन्स ये चीज ये इसके पैरेलल, तो ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन, दिस पार्ट and this part upon this part. इसके पहले से पहले ये वाला part, ये और ये, ये और ये. तो ये बन गया हमारे पास PE upon EQ is equals to PD upon DO. ये हमारे पास यहां से आ गया है first equation. Now second हमें बोला है DF parallel है OR. DF ये है DF, ये दिया है, ये पैरेलल दिया है ओआर के, इस ओआर का. सो यहां से हमें लेना है इसको, ये ट्रायंगल इसमें आ रहा है. सो हमारे पास आ गया कि डी एफ इसके पैरेलल है, दैट मींस ये लाइन पैरेलल बोला है. तो पी डी बाई डी ओ, पी एफ बाई एफ आर, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR हमें गिवन है, DF पैरेलल गिवन है OR के, सो बाय हेल्स थ्योरम PD बाय DO इक्वल है PF बाय FR. ये यहां से हमारे पास आ गया है सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकेंड आप देखते हैं, ये पी डी बाई डी ओ, ये पी डी बाई डी ओ, ये दोनों के पास है, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये हमें प्रूव करना है. सो हेंस हमें दिया हुआ पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ ये आ गया. आई एम सॉरी दिस इज आएगा पीई बाई क्यूल्स टू पी एफ बाई एफ आर. सो पीई बाई क्यू, पीई बाई क्यू
PF by FR, अगर ये वाले रेशियो प्रोपोर्शनल है तो कौन सी लाइन पैरेलल आ रही है? ये, क्योंकि PE कितना था, PF कितना है, दैट मींस ये लाइन है QR के बाद. सो देयरफॉर माय कन्वर्स ऑफ हिल्स थ्योरम PF is parallel to QR. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो, जो प्रूफ लिखो, फिर जो भी गिवन है अकॉर्डिंग है क्वेश्चन में देखो कि वो कहाँ अप्लाई हो सकता है. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5, 6.2 ऑफ एनसीईआरटी. इन केस कोई भी डाउट्स है प्लीज डू राइट टू अस. जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए और हमें बताइए. आई एम 2 सब्सक्राइबर्स और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस.